गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से आप अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अभी लेसन चल रहा है उसका टाइटल है थर्ड थॉट्स और जिसके ऑथर हैं ईवी ल्यूकस। आपको पहले ही बता दिया कि ईवी ल्यूकस के एक मित्र ने ये कहानी उनको सुनाई थी। तो आज जो हमारा पैराग्राफ हम आज लर्न करेंगे, जो पैराग्राफ हम सीखेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उसके जो भी कुछ मीनिंग्स हैं, जो उसकी वोकैबुलरी है, जो उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम पहले उनको पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पैराग्राफ को लर्न करेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अब्लाइज। अब्लाइज मीन्स होता है एहसान करना, ठीक है। अब्लाइज यानी एहसान करना। एंड दी नेक्स्ट वर्ड इज, एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है फेयर। फेयर का तात्पर्य उचित, अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे फेयर के लिए आपको बता दूँ जो शब्द लिया है वो है ईमानदार, जिसको आप ऑनेस्ट भी कहते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार। आपका अगला जो शब्द एक ले रखा है यहाँ पे वो है स्पॉटिंग, और स्पॉटिंग का जो तात्पर्य है बच्चों वो है उदार। एक वर्ड और इसके लिए यूज़ कर देते हैं हम, जेनरस। जेनरस का तात्पर्य भी होता है उदार। अब देखते हैं हम जो अगला वर्ड है। अगला वर्ड है आपका एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का तात्पर्य है आशा करना, आशा करना, ठीक है, होप भी कह सकते हो। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश, निराश करना, ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पे एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का तात्पर्य है कटु, एम्बिटर्ड का तात्पर्य है कटु, चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाना। एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ वेल ऑफ टीयर्स, और वेल ऑफ टीयर्स का तात्पर्य है अत्यधिक आंसू बहाना, रोना, परेशान रहना, दुखी रहना। एक वर्ड है यहाँ पे मिजरेबल। मिजरेबल का तात्पर्य है दयनीय, पिटिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीचर, और क्रीचर का तात्पर्य होता है आप जानते हैं प्राणी, कोई जीव। नेक्स्ट वर्ड इज पिटी, और पिटी का तात्पर्य होता है बहुत ही, सॉरी, हाँ, पिटी, पिटी यानी दुख की बात, या फिर पिटी यानी दया के लिए भी आप लगा देते हैं। एक वर्ड यहाँ दे रखा है ने। ने का तात्पर्य है नहीं, जिसको आप नॉट भी कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है इंजर। इंजर का तात्पर्य है चोट पहुंचाना, या कह सकते हैं ठेस पहुंचाना, ओके, ठेस पहुंचाना, ठीक है, ठेस पहुंचाना। और आपका इस पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड है वो है एब्ज्यूट, और एब्ज्यूट का तात्पर्य है यहाँ पे बेतुका, या बेहुदा भी कहते हैं, ओके। तो ये तो आपके आज के इस पैराग्राफ के कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये वो हैं, और इसके बाद हम देखते हैं, इस पैराग्राफ को रीड करते हैं
आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। अब हम देखते हैं अपना पैराग्राफ। हाँ देखें स्टूडेंट्स, हम इसका जो एक पैराग्राफ इससे पहले जो हमने लर्न कर लिया है उसका जो अगला पैराग्राफ है हम इसको भी देख लेते हैं। देखें वगैरह, स्लीप यानी नींद, स्टिल यानी अभी भी, रिफ्यूज़ का जो तात्पर्य है वो है इनकार करना, इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। तो अगर स्लीप यानी नींद, स्टिल यानी अभी भी, रिफ्यूजिंग यानी इनकार कर रही थी टू अब्लाइज मी। अब्लाइज यानी, अब्लाइज मीन्स मैंने आपको बताया था अब्लाइज जो है वो क्या है, एहसान करना, कि नींद अभी भी मेरे ऊपर एहसान करने से इनकार कर रही थी वगैरह। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्हाट डिड द नैरेटर डू व्हेन ही वॉज अनेबल टू स्लीप, यानी जब वो सोने में असमर्थ था तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, ये आपका आंसर है। अगली लाइन में, आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो मैंने क्या किया, आई टुक यानी मैंने लिया था, अ बुक यानी एक किताब को, अब शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियों की एक किताब मैंने ली, एंड रेड वन, और उनमें से एक कहानी को मैंने पढ़ा, ये आपका आंसर है। कहानी मैंने पढ़ी, देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, कहानी को पढ़ने के बाद फिर से मैंने सोने का प्रयास किया, तो मैंने क्या किया, आई क्लोज्ड, मैंने बंद कर लिया था माई आईज अपनी आँखों को अगेन, यानी एक बार फिर से मैंने फिर से अपनी आँखों को बंद किया, एंड अगेन बिगेन टू थिंक अकॉर्डिंग टू कस्टम, यानी उस आदत के अनुसार मैंने क्या किया कि अगेन यानी पुनः, बिगेन यानी मैंने शुरू कर दिया, टू थिंक यानी सोचना, मैं फिर से सोचने लगा, मैंने फिर से विचार किया, अबाउट दी डीलर यानी जो विक्रेता था उस विक्रेता के बारे में मैंने पुनः सोचा। अब वो बार बार जो फिर से सोचा, वो बार बार सोच रहा है, इसीलिए इसका जो टाइटल है वो टाइटल जो है थर्ड थॉट्स रखा गया है, जबकि पुनर्विचार तो आप सेकंड थॉट भी कह सकते हो, रिकंसीडरेशन कह सकते हो, रीथॉट भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसको थर्ड थॉट्स व्यंग्यात्मक लहजे में किया है, क्योंकि ये जो नैरेटर है वो बार बार अपने निर्णय को ही बार बार सोचता है, फिर से उसको बदल देता है। एक तरीके से व्यक्ति के पास जब धन नहीं है तब तक वो जो है वो सोचता है कि मैं डोनेट भी कर दूंगा, मैं लोगों की हेल्प कर दूंगा, लेकिन जब उसके पास पैसा होता है तो वो सांसारिक मोमाया में ऐसा फंस जाता है कि वो पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, और उसके उसी प्रकार के विचार बनते हैं जैसा कि इसके साथ हो रहा है। पहले तो उसने डिसाइड किया था कि मैं कम से कम आधा उसको दे देना चाहिए क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन फिर से उसने सोचा और अब की बार उसने डिसीजन किया कि नहीं, आधा तो ज़्यादा होगा, मैं 10 pounds उसको दे दूंगा, लेकिन फिर से सोच रहा है, वो कह रहा वाय सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार जो हैं वो फिर से चले थे, फिर से सोचा मैंने कि वाई सेंड हिम 10 pounds, वाई सेंड हिम, मैं क्यों भेज दूँ उसको 10 pounds, यानी 10 pounds, उसको 10 pounds क्यों भेज दिया जाए, पहले सोचा था आधा भेज दूंगा, फिर सोचा 10 pounds भेज दूंगा, अब फिर कह रहा कि 10 pounds क्यों भेज दिया जाए। यही इस जो लेसन है इसमें बताया गया है कि वो किस प्रकार से बार बार सोचता है। वो कह रहा इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया, इट विल ओनली गिव, ये तो ओनली गिव यानी देगा हिम यानी उसको अ रॉन्ग आइडिया यानी एक गलत विचार, एक गलत संदेश देगा ऑफ हिज कस्टमर्स यानी अपने ग्राहकों के प्रति, कि वो क्योंकि वो तो यही सोचेगा हर बार कोई ग्राहक उसको इसी प्रकार से लाभान्वित कर दे, उसको ऐसी पैसे भेज दे, तो अपने ग्राहकों के प्रति उसके मन में एक गलत विचार आ जाएगा। और कह रहा नन अदर ऑफ हूम, नन अदर ऑफ हूम, ग्राहकों की बात कर रहा है, नन अदर ऑफ कस्टमर्स यानी उन ग्राहकों में से कोई भी ग्राहक वुड बी सो फेयर, ना तो इतना फेयर, फेयर मीन्स मैंने अभी आपको बताया था, फेयर मीन्स मैंने अभी बताया था आपको ईमानदार, कि नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, कि उन ग्राहकों में से कोई भी ग्राहक ना तो इतना ईमानदार होगा, और सो स्पॉटिंग, स्पॉटिंग मैंने बताया था आपको, जिसके लिए शब्द मैंने आपको बताया था जेनरस, जेनरस ठीक है ना, उदार, क्या कहेंगे आप इसको, उदार। तो नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, उनमें से कोई भी ग्राहक ना तो इतना ईमानदार होगा और सो स्पॉर्टिंग, और ना ही इतना उदार होगा एज आई, जिस तरीके का मैं हूँ, कि मैं तो उसको कुछ हिस्सा भेज रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं भेजेगा, ठीक है ना,
ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स। मैं तो भेज रहा हूँ, ये अपने ग्राहकों के प्रति उसको गलत संदेश देगा, वो इसी प्रकार के पत्रों की अपेक्षा करेगा, ठीक है ना। और कोई भी ग्राहक, कोई भी व्यक्ति इतना उदार, इतना ईमानदार नहीं हो जितना कि मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स, और वो एक्सपेक्ट यानी अपेक्षा करेगा, सिमिलर यानी ऐसे ही, लेटर्स यानी पत्रों की, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, वो प्रत्येक दिन इसी प्रकार के पत्रों की अपेक्षा करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और क्या होगा, एंड बी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मैंने बताया था आपको क्या है, निराश। एंड बी डिसअपॉइंटेड यानी वो निराश हो जाएगा, एंड देन ही विल बिकम, निराश हो जाएगा क्योंकि कोई भी मेरे जितना ईमानदार, मेरे जितना उदार नहीं होगा जो को उस व्यक्ति को कुछ पैसे भेजे जैसे कि मैं भेज रहा हूँ, तो प्रत्येक दिन वो क्या होगा, निराश होगा। एंड देन ही विल बिकम, और उसके बाद वो बिकम यानी बन जाएगा एम्बिटेड, कैसा, कटु हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी रहेगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, अ मिजरेबल क्रीचर, एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, वेल ऑफ टीयर्स यानी, और वो निरंतर वेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं को बहाएगा, अ मिजरेबल क्रीचर यानी, मिजरेबल यानी दयनीय, क्रीचर यानी प्राणी, वह दयनीय प्राणी बन जाएगा, आंसुओं को बहाएगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे जितना उदार और ईमानदार नहीं होगा जो उसको लाभान्वित करे या उसको पैसे भेजे। तो ये तो गलत तरीका है, अगर मैंने इतना पैसा, ये 10 पाउंड उसको भेज दिया, तो निश्चित रूप से अपने ग्राहकों के प्रति ये गलत संदेश उसके मन में आएगा, और अपने ग्राहकों से इसी प्रकार की अपेक्षा वो करेगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, ही लुक्ड यानी वो दिखता था, अ नाइस यानी एक अच्छा ओल्ड मैन यानी एक वो अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति दिखता था, ईमानदार व्यक्ति दिखता था, अ पिटी, एक पिटी यानी एक मतलब बहुत ही दुख की बात है कि ने ए क्राइम, मतलब वो अच्छा व्यक्ति दिखता था और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करेगा, एक दयावान सा व्यक्ति दिखता था, ने ए क्राइम, ने ए क्राइम यानी नॉट, ने का मतलब नॉट अ क्राइम, क्राइम यानी क्रिमिनल, मतलब किसी प्रकार का अपराधी व्यक्ति नहीं दिखता था, और टू इंजर सच अ नेचर, टू इंजर यानी ठेस पहुँचाना, सच अ नेचर यानी एक ऐसे स्वभाव, ऐसी प्रकृति वाले व्यक्ति को, ये तो गलत होगा। नो 10 pounds इज एट योर, ये 10 pounds कैसे हैं, ये तो बहुत बेतुके हैं। 5 would be plenty, 5 कितने होंगे, प्लेंटी यानी पर्याप्त, 5 pounds पर्याप्त होंगे। 10 would put him above himself, के 10 pounds तो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, 10 pounds तो उसका सिर ही फेर देंगे। 10 pounds अगर वो मिल जाएगा तो हो सकता है कि अपने व्यवसाय पर कम ध्यान दे, वो इसी प्रकार के पत्रों की अपेक्षा करता रहे, तो 10 pounds तो उसके लिए ज़्यादा होंगे, 5 pounds ही उसके लिए कैसे होंगे, पर्याप्त होंगे, जिससे उसका भी जो ध्यान है वो उसके काम पे लगा रहेगा। तो वो फिर ये फिर से रिथॉट किया उसने कि 10 pounds बेतुके हैं, अब की बार मैं कितने भेजूँगा, केवल 5 pounds, कि 5 would be plenty, कि इस व्यक्ति के लिए 5 pounds जो है वो पर्याप्त होंगे। तो ये पैराग्राफ जो है हमने लर्न किया है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको भी मैंने बताया था, तो आप उनको भी याद करें, साथ साथ इस पैराग्राफ को बहुत ही धैर्य के साथ आप सीखें, पढ़ें, और अगला पैराग्राफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।